हरदोई के रसखान प्रेक्षागृह में विश्व युवा कौशल दिवस पर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत चलाए गए युवा कौशल जागरूकता सप्ताह में राजकीय आईटीआई एवं डीपीएसयू हरदोई के संयोजित में मेधावियों को सम्मानित किया गया। 9 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित किए गए युवा कौशल जागरूकता सप्ताह में युवाओं ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की। मेधावियों को सांसद अंशुल वर्मा, सदर विधायक नितिन अग्रवाल, जिलाधिकारी पुलकित खरे, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार ने संयुक्त रूप से सम्मानित किया। जिलाधिकारी श्री खरे ने कहा कि देश व प्रदेश में विकास के क्षेत्र में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक रूप देने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपनी शक्ति को पहचानें और देश के विकास में उसे लगाएं। सांसद अंशुल वर्मा ने कहा कि अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्वयं अपने लिए रास्ता चुनें तथा आगे बढ़ें। विधायक नितिन अग्रवाल ने सभी मेधावियों को बधाई दी व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सर्वप्रथम विश्व युवा कौशल दिवस की आप सभी को बधाई। बधाई इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि किसी समाज के, किसी प्रदेश के या किसी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका कितनी अहम होती है, और खासकर हमारे जैसे देश के जहां पे युवाओं का प्रतिशत बहुत अधिक है। जरूरत होती है इस तरह के दिवस की जहां अपने आप को बता सकें कि जो ऊर्जा युवाओं में है, अगर हम इसको सकारात्मक रूप में देखेंगे, अगर हम इसको सकारात्मक दिशा देंगे, तो ना केवल आपके अपने जीवन में विकास संभव है, आपके अपने जीवन में उपलब्धियां संभव हैं, बल्कि आपके प्रदेश के और आपके राष्ट्र में भी आपका योगदान बहुत अच्छे से होगा। अगर रोल मॉडल मानते हो जिस संघर्ष की बात डीएम साहब ने की थी और उन्हें अपना आइडल मानते हो, तो उस जिद को ग्रहण करना जरूर सीखना। जहां से शुरुआत की थी, आईआरएस बने, नहीं संतुष्टि हुई, आईपीएस गए, फिर संतुष्टि नहीं हुई, आईएएस बने, इसे जिद कहते हैं। जब हम बढ़ते हैं, जब हम हाई स्कूल के बाद जब हम ग्रेजुएशन में आते हैं, तो ग्रेजुएशन करते करते चिंता ये होती है कि हम भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, हम इसको डिसाइड नहीं कर पाते। उन बच्चों से फीडबैक मिला, कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते थे, कुछ लोग मेडिकल लाइन में जाना चाहते थे, कुछ लोग और सोशियोलॉजी में, और भी डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन वो कंफ्यूज थे कि वो क्या करें अपने भविष्य में, लाइफ में किस फील्ड को पकड़े जिस फील्ड में उनको सफलता मिले।